ने एक विचारी, मन ने भायो खोड़ लो, मैं चढ़ने करूं सवारी। ए माँ, ए माँ, ए माँ, देख काका जी जाते हैं, देख मेरे बाबा जी जा रहे हैं, ए माँ मुझे भी घोड़ा दिलाना। ए अरे घोटलियो मंगवत मारी माँ, मैं घोटलियो, बोलो घोटलियो भाई भाई माँ, मैं घोटलियो, घोटलियो भाई भाई माँ, मैं घोटलियो, घोटलियो बैठ के गाइए, घोड़े चढ़ मेरे घूमन जासो, रे घोटलियो मंगवाए भाई माँ, घोटलियो मंगवाए भाई माँ, मैं घोटलियो, घोटलियो मंगवाए भाई माँ, मैं घोटलियो, घोड़े चढ़ मेरे घूमन जासो, घोड़े चढ़ मेरे घूमन जासो, अरे घोड़े ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, घोड़े चढ़ मेरे घूमन जासो, घोड़े चढ़ मेरे घूमन जासो, घोड़े चढ़ मेरे घूमन जासो, रे घोटलियो मंगवाए भाई माँ, घोटलियो मंगवाए भाई माँ, मैंने घोटलियो मंगवाए, घोटलियो मंगवाए भाई माँ, मैंने घोटलियो मंगवाए, रामदेव जी हटकी नो है भारी हो, हटकी नो है भारी हो, हटकी नो है भारी, पांच बरस का रामदेव जी हटकी नो है भारी, बोलो हटकी नो है भारी हो, हटकी नो है भारी, अरे घोड़ा पर कैसे गिरवाऊं सोच रही मैं तारी हो, सोच रही मैं तारी हो, सोच रही मैं तारी, अरे की करीन में मैं समझाऊं, घोटलियो मंगवाए भाई माँ, मैंने घोटलियो, घोटलियो मंगवाए भाई माँ, मैंने घोटलियो मंगवाए, घोड़े चढ़ मेरे घूमन जासो, घोड़े चढ़ मेरे घूमन जासो, घोड़े चढ़ मेरे घूमन जासो, घोटलियो मंगवाए भाई, घोटलियो मंगवाए भाई माँ, मैंने घोटलियो मंगवाए, घोटलियो मंगवाए भाई माँ, मैंने घोटलियो मंगवाए, घोड़े चढ़ मेरे घूमन जासो, घोड़े चढ़ मेरे घूमन जासो, रे घोड़ा लियो मंगवाए भाई माँ, घोड़े लियो मंगवाए भाई माँ, मैंने घोड़े लियो मंगवाए, घोड़े लियो मंगवाए भाई माँ, मैंने घोड़े लियो मंगवाए, ताली Ha!
मैं समझाना चाहता हूं हुआ क्या। माता मैना दे घबरा गई, अरे बेटा ए रामदेव तू 5 साल को है रे, बैठो वहीं बैठो, फिर नाचना है बैठो, तू 5 साल को है रे बेटा, तू घोड़े पे कैसे बैठे को। ए माँ मुझे घोड़ा चाहिए, ए माँ मुझे घोड़ा चाहिए। नन्हे से रामदेव जी जिद करते हैं, देखिए चमत्कारी कैसे कैसे नाटक करते हैं माँ के सामने। और माँ थोड़ा पंखे को इधर करो, माँ घोड़े की आवाज निकालो, अभी नहीं अभी टाइम है, सिचुएशन आएगा मैं निकलवाऊंगा, थोड़ा और ये बात। और देखिए वहां का एक रूपा दर्जी रोनीचा का रामदेवरे का रूपा दर्जी एक बहुत बड़ा राज दरबार का दर्जी था, टेलर, उसको बुलाया, ए रूपा मारो लाल जिद करे रे, इन्हें एक कपड़ा को घोड़ो बना दे। बोले कपड़ा को घोड़ो? बोले हाँ। बोले देख मैं तेरे को स्टाम्प मार के देती हूं, तेरे को जहां से भी रुपए लेना है, जहां से भी कपड़ा लेना है, पूरे रामदेवरा में पोखरण तक जा सकता है तू, कपड़ा लेकर एक अच्छा सा कपड़े का घोड़ा बना दे मेरे लाडले के लिए। रूपा दर्जी के मन में लालच आ गया, इस दरबार में लालच कभी नहीं करना चाहिए, सुनिए लालच कभी नहीं करना चाहिए इस दरबार में। उसने लालच किया और पूरे पोखरण से पूरी रुणीचा से राज दरबार की मोहर बताकर कपड़े की गाड़ियां घर के अंदर घुसा ली और बोले अपनी पत्नी को बोला ए भाग्यवान भाग खुल गए, वो नन्हे से 5 साल का उनका कवर है ना वो रामदेव, वो घोड़े की जिद कर रहा है और महारानी जी ने मुझे घोड़ा बनाने के लिए दिया है, पूरा कपड़ा उन्हें क्या पता लगेगा। बोले एक गलत बात है जी, अरे नहीं नहीं सब अंदर रख और एक छोटा सा घोड़ा 5 साल के इतना सा घोड़ा बनाकर कपड़े का घोड़ा ऊपर तो कपड़ा और नीचे अंदर घास भर दिया भूसा भर दिया। बोले कौन देखेगा, 2-4 दिन खेलेगा और ये घोड़ा अपने आप टूट टूटाई जाएगा, अपना तो मामला फिट हुआ। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ऐसा करकर वो घोड़ा लेकर जब वो राज दरबार में आया नन्हे से रामदेव जी 5 साल के, ए माँ घोड़ो आई गो। बोले ए रूपा दर्जी ये घोड़ा अच्छा बना है ना। बोले क्या बात कर रहे हो महारानी जी, जादू का घोड़ा है जादू का। लीलाधारी बोले मैं बैठ जाऊं, तुतला कर बोले मम्मी हेलो मैं बैठ जाऊं। बोले बैठ जा बेटा। और लीलाधारी ने रामदेव जी ने गरुड़ का आवाहन किया, हाँ अरे रंग रंगीलो लेनो घोड़ो रामदेव मन भावे, रामदेव मन भावे, रामदेव मन भावे, रंग रंगीलो लेनो घोड़ो रामदेव मन भावे, रामदेव मन भावे, रामदेव मन भावे, नीनी हाथ लगाम बाप जी मन ही मन हर्षावे, लगाम हाथ में ली बाप जी ने, बैठ गए 5 साल के रामदेव जी। बोले माँ मैं घोड़े को ऐड लगाऊं, ए माँ मैं घोड़े को ऐड लगाऊं। बोले लगा बेटा, अरे घोड़ी लगाई, अरे ऐड लगाई, अरे ऐड लगाई घोड़ा लिया ने, घोड़े लियो मन भावे, घोड़े लियो मन भावे,
घोड़ा लिया ने। सुनने की बात है, लीलाधारी चलते चलते चमत्कार, 5 साल की उम्र, बोले माँ मैं एड लगाऊं, ए माँ मैं एड लगाऊं। और एड कैसे लगाते हैं घोड़े को, यूं टुक 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 लगाते ना। और एड लगाई घोड़ा लिया ने, रामदेव आकाश गया, रामदेव जी गायब हो गए। सारा रात दरबार परेशान, और वो दर्जी, अरे राम राम, ओ दर्जी बोलो कहने गया कमर, बोले ए जादू को घोड़ो काई करे रे, अरे नहीं नहीं वो तो घास फूस को घोड़ो भाई, अरे जादू को घोड़ो बोलो मारो रामदेव चले गयो कहने गयो। राजा अजमाल जी आ गए, आकर बोले इस दर्जी की वजह से मेरा अब गायब हो गया बच्चा, जब तक रामदेव नजर ना आए तब तक इसे कोड़े मारे जाए। और रूपा दर्जी को जेल में डाल दिया, और जब कोड़े की मार पड़ी, रूपा दर्जी समझ गयो राजकमर को नहीं बस साक्षात अवतारी है। हाँ जादूरो घोड़ा लियो रूपा दर्जी घर ने लायो, रूपा दर्जी घर ने लायो, रूपा दर्जी घर ने लायो। पिता मन में घबराया दर्जी कैद करायो, दर्जी कैद करायो, दर्जी कैद करायो। घोड़ चढ़ मेरे घूमण जासू, घोड़ चढ़ मेरे घूमण जासू, घोड़ चढ़ मेरे घूमण जासू, घोड़ लियो मंगवाए परिवा, घोड़ लियो मंगवाए परिवा मन घोड़ लियो, घोड़ लियो मंगवाए परिवा मन घोड़ लियो मंगवा। चली मन में घबरायो दर्जी कैद करायो, दर्जी कैद करायो, ओ दर्जी कैद करायो, दर्जी विनती करवा लागो, दर्जी विनती करवा लागो, रामदेव जी कष्ट हरिया। रामदेव जी ऊपर उड़ गया, और एक एक कोड़ा जब पड़ने लगा, रूपा दर्जी बोले भगवान आ जाओ। जब 50 कोड़े पड़ गए, 60 कोड़े पड़ गए, 70 कोड़े पड़ गए, रामदेव जी महाराज लीले घोड़े के साथ प्रकट हुए। तो लीला घोड़ा रासवार की जय। रूपा दर्जी चरणों में पड़ गया, मुझे क्षमा करो पीरों के पीर, पीरों के पीर नहीं, उस वक्त पीरों के पीर नहीं बोले जाता, मुझे क्षमा करो राजकंवर, मैंने गलती की, उसकी सजा मुझे मिली। बोले रामदेव जी ने हर पर्चे में एक नसीहत दी है, कभी मेरा मूड होगा आपको 24 पर्चे सुनाऊंगा, हर पर्चे में नसीहत है। इस पर्चे में क्या नसीहत है ध्यान दीजिए,
कभी अमानत में खयानत ना करे, जो आपका हक है उसे कभी मत छोड़े, लेकिन जो पराया हक है उस पर अपनी दृष्टि कभी मत डाले, आपका जो जमा हुआ है वो भी चले जाएगा, ध्यान रखे। ये पक्की बात है रामदेव जी के दरबार में, जिसकी नीयत साफ उसकी जिंदगी गार्डन ही गार्डन। साफ क्यों भाई, गार्डन ही गार्डन। हाँ, और बड़ी प्यारी बात, अरे दर्जी ने परचो बतलायो राम देव अवतारी हो, राम देव अवतारी। बेचारा घबरा गया दर्जी, 50 कोड़े लाल हो गया। राज दरबार का दर्जी था, आज तक मूंछों पे ताव देके रहा, लेकिन आज ये हालत हो गई। रामदेव जी ने कहा, ए रूपा दर्जी, तेरे बहाने मेरे लीले घोड़े को मैंने बुलाया है। अच्छा, पकड़ लिया चरण। बोले क्यों बाप जी, अपने लीले घोड़े के लिए मुझे 60-70 कोड़े करवाए? रामदेव जी ने कहा, मैं तुझे वरदान देता हूं रे, आज के बाद जहां मेरा जम्मा जागरण होगा, तेरा ये कपड़े का घोड़ा वहां रखा जाएगा, तभी मैं जागृत होऊंगा। आज के बाद जो भी मन्नत मांगेगा और रामदेव रुनी चामे कपड़े का घोड़ा चढ़ाएगा, मैं उसकी मन्नत जरूर पूरी करूंगा। हो दर्जी ने परचो दिखलायो रामदेव अवतारी, हो रामदेव अवतारी, हो रामदेव अवतारी। दास अशोक सुनावे पापा सुन लो अर्जी मारी, हो सुन लो अर्जी मारी, हो सुन लो अर्जी मारी। अरे हिवड़ा में संतोष तिरा, घोड़े चढ़ने रे घूमन जाशो, घोड़े चढ़ने रे घूमन जाशो, घोड़े चढ़ने रे घूमन जाशो रे, घोड़े लियो मंगवाए मारी मां, घोड़े लियो मंगवाए मारी मां मने घोड़े लियो, 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 बोलो अजमल घर अवतार की जय। बोल लीला घोड़ा